महाराष्ट्र में चल रही सियासी उथल-पुथल से आप सभी वाकिफ होंगे, पर क्या आप जानते हैं जिस व्यक्ति ने ये उथल-पुथल मचाई है वो एकनाथ शिंदे आखिर है कौन और वो क्यों उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ बागी हुआ है। दरअसल सतारा जिले का रहने वाला एकनाथ शिंदे 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो पढ़ाई करते, इस कारण उन्हें ऑटो चलाने का काम करना पड़ा। मगर सन 1980 में शिवसेना के कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली और बहुत जल्द ही बालासाहेब ठाकरे के भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। सन 1957 में एकनाथ शिंदे ने पहली बार थाने मुसलगढ़ कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता। इसके बाद 2014 में एमएलए बने, 2018 में उन्हें पार्टी का लीडर भी नियुक्त किया गया। इसके साथ वो पार्टी में रहते हुए कई बड़े पदों को भी संभाल चुके हैं। फिलहाल चल रही उठक पटक के बीच एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके कहा है कि वो बालासाहेब ठाकरे के समर्थक हैं और किसी भी प्रकार के मूल्यों से वो समझौता नहीं करेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि 44 साल पार्टी में रहने के बाद उन्होंने अचानक बगावत कर दी? खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे जब MMRDA के चेयरपर्सन थे तब आदित्य ठाकरे उनकी मीटिंग में शामिल होते, उनकी अगुवाई करते और आवाजाही करते। ये बात शिंदे को पसंद नहीं आ रही थी। एकनाथ शिंदे के बागी होने की एक मुख्य वजह शिवसेना का NCP और कांग्रेस से गठबंधन भी बताया जा रहा है, जो कि 2019 में हुआ था, पर कमाल है 3 साल बाद शिंदे साहब अब जा रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि CM उद्धव ठाकरे की तरह और NCP अध्यक्ष की तरह एकनाथ शिंदे को भी Z-grade सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, जिसके ना मिलने से वो नाराज हो गए। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इसमें हाथ है BJP का। मोदी सरकार शुरू से ही कोशिश करती आ रही है महाराष्ट्र सरकार को गिराने की, जिसके तहत उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में चल रहे सत्ता के संघर्ष पर क्या है आपकी राय, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।